सिक्किम में ड्यूटी के दौरान हादसे में शहीद हुए जवान प्रदीप पटेल के परिजनों को सरकार 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि ये दुखद घटना है और शहीद के माता पिता के साथ सरकार खड़ी है। हमारे लिए बड़ी दुखद घटना भी है, लेकिन देश और सेना पे हमें सदैव गर्व रहेगा। हमारे जवान शांति का हो या युद्धकाल अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं और देश की हिफाजत में अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। 5 तारीख के दिन एक बड़ी घटना घटी जिसमें हमारे 4 बहादुर जवानों की शहादत हुई है। उसमें मध्य प्रदेश के कटनी राघवगढ़ गांव के पहरदोला नामक गांव के रहने वाले हमारे स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी का वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं आज स्वयं खजुराहो एयरपोर्ट पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने खेद व्यक्त भी किया और दुख व्यक्त करते हुए परमात्मा से कामना की कि जो पुण्य आत्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे बहादुर जवानों को जीवन भर हम सब याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये की जो हमारी धनराशि है वो उनके चूँकि विवाहित नहीं होने से उनके माता पिता को समर्पित करने का सरकार ने निर्णय लिया है।